हाय फैमिली, आज देखिए मैं आया हूँ पूना वागोली में। देखिए होटल धनगरवड़ा रेस्टोरेंट में, और यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, और बारिश में खाने का मज़ा क्या बात है यार। और होटल का नाम भी देखिए धनगरवड़ा, और यहाँ पे बहुत स्पेशल डिश है, क्योंकि मैंने एक बार खाया था यहाँ पे। और इनका ये थर्ड ब्रांच है, टोटल इनका 4 ब्रांच है, और मैं आया हूँ थर्ड ब्रांच में। तो आ जाइए, देखते हैं पहला होटल धनगरवड़ा कैसा है, और उनके ओनर से भी बात करते हैं। तो आ जाइए फटाफट। थैंक यू गणेश जी। ये धनगरवड़ा रेस्टोरेंट के ओनर है, और ये प्रशांत मन्ने इनका नाम है, ये पार्टनर है यहाँ के, और यही बैठते हैं यहाँ पे। तो ये आपका मतलब कितना आउटलेट है, ये कितना है? थर्ड आउटलेट है। थर्ड आउटलेट है, और एक पे तो मैं गया था, बहुत मजा आया था, चौथे ब्रांच में, और ये थर्ड ब्रांच है। और दो ब्रांच है, तो उसमें भी जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा बाद में। तो ये आपका मतलब कभी चालू हुआ ये? अभी ये चालू करके 6 महीने का, लॉकडाउन के पहले 4 महीने चालू हुआ था अपना करने का। अच्छा, तो इसको अभी चालू करने के बाद इतना रिस्पॉन्स मिला ना, इधर बैठने को जगह नहीं था, टेबल कम कर रहे थे, इतना बोल। बहुत बढ़िया। तो देखो 6 महीना हो गया है चालू करके, और इस रिस्पॉन्स एकदम बढ़िया है। यहाँ पे बैठने के लिए भी जगह नहीं मिलता है, तो अभी मैं टेस्ट करूँगा। आप लोग यहाँ कहीं पे भी हो, एक बार धनगरवड़ा होटल में ज़रूर आना, बहुत मज़ा आएगा। और स्पेशल क्या है अपना, स्पेशल डिश क्या है यहाँ पे अपने धनगरवड़ा पे? स्पेशल धनगरी मटन थाली मिलता है, बिरयानी, और भिगोन का मच्छी, और खेकड़ा फ्राई, और वो भी पूरा अपना जो घरगुती मसाले में, काला मसाले में पूरा आइटम रहता है अपना, और वो सब लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद है। और चूल्हे का रास्ता रहता है इधर, इसके लिए लोगों को ज़्यादा पसंद है होटल के लिए, नहीं क्या चूल्हे का खाना मिलता है इसके। बहुत बढ़िया। और ये स्पेशली अभी होटल का नाम धनगरवड़ा, मतलब ये क्या है इसका धनगरवड़ा, मतलब नाम किस हिसाब से रखा है ये? अभी धनगरवाड़ा कैसा, हमने धनगरवाड़ा बोले तो हमको सब धनगर लोगों के जैसा खाना रहता है। अच्छा, थोड़ा घर के जैसा है, जो अपना जत्र रहता है उसके जैसा खाना रहता है, धनगरी लोगों के जैसा खाना, धनगर लोगों के जैसा खाना रहता है, जो घर खाते हैं वैसा। काला मसाले का चूल्हे के ऊपर जो खाना बनता है, और जो पार्टी के ऊपर वाटिंग करके जो खाना बनाते हैं, वैसा अपने इधर सिस्टम है। और घुंगड़ी डाल के बैठ के खाने, और अपने पास नीचे बैठने का भी सिस्टम है, भारतीय बैठे उधर अपन नीचे घुंगड़ी के ऊपर बैठ के पूरा खाना पीना खा के घर के जैसा मजा ले सकते हैं। इसके लिए होटल का मजा, होटल से आप घर में कैसा खाया वैसा सिस्टम अपने को लगते हैं। बहुत बढ़िया। इसके लिए नाम देखो, होटल का नाम है धनगरवड़ा, तो मतलब यहाँ पे बैठने की घर के जैसा खाना, बहुत बढ़िया सिस्टम है। तो चलो अभी अपना डिश रेडी कर लो फटाफट, जो भी रहेगा मस्त। और आप लोग अभी ये होटल देखो कैसा बना है, बहुत बढ़िया बना है। चलिए सिस्टम यहाँ का, यहाँ पे पहला भंडारा लगेगा और फिर खाना मिलेगा। तो आ जाइए, अपना खाना भी रेडी हो गया है। हाय फैमिली, तो देखिए अपना खाना पूरा रेडी हो गया है, और ये क्या क्या डिश है अभी मुझे तो पूरा पता नहीं है।
पूछेंगे अपन यहाँ के ओनर से। लेकिन उससे पहले और एक सरप्राइज है आपके लिए स्पेशल। अभी खाना तो बहुत ज़्यादा है और मेरे साथ और एक मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड जो बहुत सारे मतलब हमेशा मेरे साथ रहते वो है करण राजपूत। आ जाइए करण द फूडी राजपूत भाई, कैसे हो? बढ़िया तो आज और कैसा लग रहा है बारिश के मौसम में बाहर? एक्चुअली आज हम लोग आ गए पुणे में वाघोली में, इतना मजा आ रहा है। मतलब भाऊ के साथ हमने पंजाबी स्पेशलिटी ट्राई कर ली, अभी आज मैं ट्राई करने वाला हूँ गावरान स्टाइल। और वो मैं करण को लेके आया हूँ, मैं करण मुझे लेके गया था पंजाबी थाली ट्राई करने के लिए, मुझे महाराष्ट्र स्पेशलिटी और वो भी धनगर स्टाइल में। बराबर ना, कहाँ पे आया अपन? धनगरवाड़ा। अभी उनको बोलने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन सीख जाएंगे, होटल धनगरवाड़ा। तो भाई अभी आपकी तो डिश आपको पता रहती है क्या क्या है, अभी आपको पता है इसमें क्या क्या है? आप बताओगे ना? हाँ मैं बताऊंगा, लेकिन अपन स्पेशल उन ओनर को बुलाएंगे, वो आपने को समझा देंगे। तो आ जाइए, ये है धनगरवाड़ा होटल के ओनर, मतलब पार्टनर है उनके। क्या नाम है आपका? प्रवीण मदने। प्रवीण मदने, तो सबसे पहले ये डिश के नाम बताइए। ये हमारा धनगरवाड़ा नहीं का धनगर स्पेशल चिकन थाली है। अच्छा, धनगर स्पेशल चिकन थाली, देखिए स्पेशल नहीं का चिकन ड्रैगन। चिकन ड्रैगन, ये मुर्ग मुस्लिम। ये मुर्ग मुस्लिम, देखिए भाई क्या बात है यार, देखो मतलब कुछ अलग यूनिक स्टाइल में। ये बिरयानी, ये भी धनगरवाड़ा स्पेशल बिरयानी रहेगी। ये धनगरवाड़ा मुर्गा तंगड़ी। धनगरवाड़ा मुर्गा तंगड़ी, तंगड़ी। और ये तो धनगरवाड़ा स्पेशल चिकन थाली। और इसमें मैंने पहले अपने ब्रांच में कुछ ऑफर थे, मतलब एक बिरयानी ली तो उसके ऊपर एक बिरयानी फ्री, तो यहाँ पे भी ऑफर है ऐसा कुछ? ऑफर है ना, दो चिकन थाली पे एक थाली फ्री। अरे क्या बात है, ये दो चिकन थाली ले लो एक थाली फ्री, और ये बिरयानी दो बिरयानी पे एक बिरयानी फ्री। अच्छा बराबर, वहाँ पे भी दो बिरयानी पे एक बिरयानी था, मैं एक बोला, तो ये भी दो बिरयानी ले लो एक बिरयानी फ्री। अभी मुझे थोड़ा सा नॉर्मली इसका चार्ज क्या है? इसका चार्ज है 160। 160 ये थाली का? इसका चार्ज है 230 है क्या? 230 मतलब 230 की दो थाली ले लो साथ में एक थाली फ्री। ये वो है 150। ये 150 की बिरयानी है, और ये मुर्ग मुस्लिम 400। और ये वो 150। क्या बात है, देखिए 150 में दो लेग पीस, शायद मुझे हमेशा आना पड़ेगा यहाँ पे। भाई करण क्या लगता है आपको, मतलब टेस्ट कैसा रहेगा? एकदम रहा नहीं जा रहा है, सोच रहे पहले ट्राई करते हैं। आपको कुछ पूछना है इनसे? नहीं, पहले खाएंगे फिर पूछेंगे। ओके थैंक यू, थैंक यू भाई। अभी हम लोग मस्त चैलेंज करते हैं, तो क्या करें, स्टार्ट करें भाई? थाली से स्टार्ट करते हैं। थाली से स्टार्ट करते, 3-2-1 स्टार्ट। आज हमने अलग अलग थाली ली है, अलग अलग थाली ली है, क्योंकि करण भाई ये बाजरी की भाकरी है, ये बाजरी की भाकरी। और ये हम लोगों ने अलग अलग थाली क्यों ली है? करण बोला मुझे कि भाई आपके साथ नहीं खाना है मुझे। फिर आप लोग नहीं खा रहे हो? नहीं नहीं, नहीं सही बोला करण, एकदम सही बोले कि आप उन साथ में खाएंगे तो बोलेंगे कि आप लोग साथ में क्यों खा रहे हैं। करण मेरे घर में बताओ आप, अंडा कड़ी नॉर्मली बनती है, एंड अंडा कड़ी में हमारे यहाँ पे कैसे पंजाबी लोग हैं तो टमाटर थोड़ा ज़्यादा होता है। आई थिंक इसमें टमाटर बहुत कम यूज़ किया है। अच्छा, स्पाइसेस बहुत ज़्यादा यूज़ किए, जो गावरान स्टाइल के स्पाइसेस होते हैं। गरम मसाले का काफ़ी अच्छा टेस्ट है। हमारा महाराष्ट्र स्टाइल एक्चुअली स्पाइसी रहता है थोड़ा, काफ़ी अच्छा डिफरेंट टेस्ट है इसका। जो इसका आफ्टर टेस्ट है मैं बोलूँगा, खाने के बाद कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है इसका। और आपके पंजाबी मसाले और महाराष्ट्रीयन मसाले बहुत फर्क होता है। चलो मैं भी ट्राई कर लेता हूँ मुर्ग मुसल्लम। लेग पीस का साइज देख लो भाई, ये भी देख लो, मजेदार साइज, फुल साइज, इतना ही बड़ा लेग पीस मिलता है। बड़े बड़े लेग पीस मिलने वाले हैं।
तो ये भी एक महाराष्ट्रन स्टाइल की स्पेशलिटी होती है क्या, जो मुर्ग मसाला में उनका कुछ यूनिक स्टाइल में है ये? एक्सट्रीमली रिच, अलग ही कुछ है ये तो। टॉकिंग अबाउट दिस मुर्ग मसालम, जस्ट लुक एट द साइज ऑफ दिस लेग पीस यार, अलग ही है भाई ये। आई थिंक ये मुर्गा जो होगा काफ़ी तगड़ा होगा हमारे जैसा। सही बोले भाई करण, मुर्गा एकदम तगड़ा है, तगड़ा तगड़ा, इसके लिए उसका टंगड़ा भी तगड़ा है। करण भाई अभी ये तो अभी टेस्ट करते हैं चिकन ड्रैगन। मैंने तो टेस्ट किया, आप भी कर लो, काफी बड़ा पीस है। और ये टेस्ट करते हैं अपन, ये एक चाइनीज स्पेशलिटी है, मुर्ग मसालम में ट्राई करता हूँ मैं। ये देखो ये एक चाइनीज स्पेशलिटी है चिकन ड्रैगन। थोड़ा भाव के स्टाइल में भी ट्राई करते विद मुर्ग मसालम। वाओ दिस रियली अमेजिंग, भाव के स्टाइल में बोले तो बहुत ही बढ़िया, एकदम मस्त भाई। ऐसे तो ज्यादा मजा आ रहा है मुर्ग मसालम की ग्रेवी के साथ, और इसके लिए हम लोग इसमें ज्यादा खा रहे हैं। थोड़ा थाली पे वापस आते हैं भाऊ, ये दोनों चीजें मैंने ट्राई नहीं करी, और ये भी कुछ ग्रेवी जैसा है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये दोनों भी मुझे चिकन ही लग रहे हैं। ये चिकन मसाला है स्पेशल, अच्छा धनगर वड़ा। ओके ये बोन वाला है? यस यस। और ये चिकन खरड़ा उनका स्पेशल डिश है। ओके इसमें काफी धनगर वड़ा स्पेशल है। यस महाराष्ट्र स्टाइल में अगर आप जाओ महाराष्ट्र होटल में कोकोनट का बहुत ज्यादा यूज होता है, तो पहले यही वाला। और वो है चिकन आलनी, आरने चिकन आलनी बोलते हैं उसको, मतलब ये सिर्फ ग्रेवी बेस है, चिकन का रस्सा रहता है कुछ अलग। This is like that chicken stock, जब chicken उबाला जाता है जो stock use होता है, so this is something like that, इसमें थोड़ा dip करके खाते हैं। और इसमें हम ये direct पी लेते हैं। This has a very punchy flavor of that coconut, जो coconut का flavor है ना, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत मस्त। देखो हम लोग ने अपने अपने स्पीचेस चेंज कर लिए, इसको भी मुर्ग मसालम के साथ ट्राई करेंगे। परफेक्टली कुक प्रॉपर जो गावरान मसाले होते हैं, मैं तो आज पहली बार खा रहा हूँ। बीच में आई थिंक बचपन में खाया होगा कहीं पे महाराष्ट्र होटल में, पूना साइड आ रहे हैं यूजुअली हम लोग मिसल ही खाते हैं, आज पहली बार भाव के होते हैं मैं मिसल की जगह आज मैं चिकन थाली खा रहा हूँ। महाराष्ट्र थाली चिकन प्रॉपर गावरान स्टाइल मुर्ग मसालम, मुर्ग मसालम ऐसा आपने देखा है कभी? एक्चुअली ये थोड़ा बहुत नाम बोलने जाओ अगर आप मुझे पूछो तो मुर्ग मसालम मैंने पर्शियन दरबार में खाया, बट इसका टेस्ट और उसका टेस्ट बहुत अलग है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट स्पाइसेस यूज। आप एक महाराष्ट्र होटल में आओगे तो आपको प्रॉपर ऑथेंटिक महाराष्ट्र फूड मिलने वाला है। चलिए भाई करण भाई, तो मेरा तो फेवरेट लगे है मुर्ग मसालम ही है लगे है, और मैं मेरी जगह पर लगा हूं। एक्चुअली ये तंदूर करके मसालम की ग्रेवी अलग बनाई है ना, मेरे लिए तो यही मेरा फेवरेट है। अगर आप यहाँ आ रहे हो पूना में धनगरवाड़ा में भाई, इसको जरूर ट्राई करना, मुर्ग मसालम जरूर खाना। और ये ऐसी चीज है क्वांटिटी वाइज कि आप 4-5 जन पूरे खा सकते हो। अभी हम टेस्ट करेंगे स्पेशल, इसका भी साइज देख लो है कि नहीं भाव। यस चीयर्स। वाओ बर्स्ट ऑफ फ्लेवर्स, दिस इज एक्चुअली ये थोड़ा चाइनीज स्टाइल में बना है, बट मैरिनेशन देखो इसकी, प्रॉपरली कुक अंदर तक चिकन इतना सॉफ्ट है, यही होती है कलाकारी शेफ की और एक पर्टिकुलर होटल की, तभी तो खाने में मजा आता है भाई। वाओ
इसे मैं भाकरी के साथ जरूर ट्राई करूंगा। शेजवान स्टाइल में इतना बड़ा चिकन लेग पीस मैं पहली बार खा रहा हूँ। ऐसे ट्राई करें भाऊ भाकरी के साथ, जरूर जरूर, और चिकन लेग पीस वो भी शेजवान स्टाइल। भाऊ का तो चिकन लेग पीस खत्म भी हो गया अभी तुम्हारा स्टार्ट होने से पहले, स्पीड मैच करना थोड़ा मशक्कत चालू है उसकी। जहाँ करण का स्टार्ट होता है वहाँ मेरा खत्म होता है। अमेजिंग। महाराष्ट्र खाने में भाकरी ज्यादा यूज होती है। यस यस, भाकरी इम्पोर्टेंट है। और जो हमने पिछली बार खाया था वो था घोवना, वो चावल का था, चावल का था, वो भी अच्छा था। एंड ये भी अलग है, ये काफी हेल्दी हो गई कंपेयर टू घोवना। घोवना चावल का बनता है और भाकरी अगर आप देखो तो बाजरे की बनती, शायद बाजरे के, ज्वारी के। मुर्ग मुसल्लम में भी आपको बॉइल्ड एग मिलता है, बॉइल्ड एग का फ्लेवर अलग ही होता है। अपना स्पेशल डिश करण अभी बचा है, बिरयानी, चिकन बिरयानी, धनगरवाड़ा स्पेशल, धनगरवाड़ा स्पेशल चिकन बिरयानी। कोशिश करूंगा लेग पीस खत्म करने की। तो करण मेरा सेकंड स्पेशल डिश चिकन बिरयानी, अभी लवासा स्पेशल चिकन, यस यस, धनगरवाड़ा स्पेशल चिकन बिरयानी। और देख के थोड़ा आपको लगेगा बट ये नींबू को उल्टा किया है, गार्निशिंग का अलग स्टाइल है ये। ओ भाई हाँ, क्या बात है, क्या बात है, ओ हो। भाई कलर देखो इसका, टेक्सचर देखो, जस्ट लुक एट द अमेजिंग टेक्सचर इन दैट, द यूज ऑफ द स्पेशल स्पाइसेस, इतना इसके अंदर मस्त ऑनियन डाला है। और ये हम ऑथेंटिक बिरयानी लग रही मुझे, ये टेस्ट करके देखेंगे। ये हम मिक्स करेंगे इसमें मुर्ग मुसल्लम, और ये तो मुझे भी करना पड़ेगा अगर आप स्पाइसी खाते हो तो। अभी आपके साथ रहेंगे, स्पाइसी भी सब चालू हो गया हमारा। चलो टेस्ट टू टेस्ट। धनगरवाड़ा स्पेशल चिकन दम बिरयानी है ना, धनगरवाड़ा स्पेशल चिकन दम बिरयानी विद मुर्ग मुसल्लम। भाई इसके अंदर जो ऑनियन का क्रंच आ रहा है ना, मजा आ रहा है, अलग ही है कुछ। सच बोल रहा हूँ, काफ़ी अलग बिरयानी है। जो पूरा इसमें कमाल है वो दम का होता है, एंड प्रॉपर जो, और जो बनाने वाले का कमाल नहीं, उसमें भी काफ़ी दम है। जिसने भी ये बनाई है उससे जरूर मिलेंगे और उनका दम देखेंगे दम बिरयानी का। ये बिरयानी का अगर मुझे प्राइस पूछो, क्यों भाऊ, 150 रुपीज़ में, क्वांटिटी देखी आपने, अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 दर्जन खा लेंगे, और उसमें से भी अगर 2 बिरयानी ऑर्डर करते हैं exactly, एक फ्री मिलेगी, मतलब 300 रुपए में 300 रुपीज आपको 3 पोर्शन मिलेंगे, और वो से 3-4 जन खा लेंगे, और वो ऑफर नहीं है, लाइफ टाइम है, समझे आप, मतलब कोई ऑफर नहीं चल रहा है ये। आप जब भी धनगरवाड़ा में आओगे किसी भी ब्रांच में आपको ये ऑफर मिलने वाला है। हम्म,
मैं भी कोशिश करता हूँ मेरा लेग पीस खत्म करने की, मेरा नहीं चिकन का लेग पीस। तो बाबू बताइए अभी अपने को क्या करना है, शाम के 6:30 बज चुके हैं और हम पूना में 7 बज गए एग्जैक्टली, सॉरी 6:45, और निकलना है अभी अलग लोकेशन पे जाना है अपने को और गाड़ी भी चलाना है। yes, बराबर ना, तो हम लोग तो थोड़ा सा जगह करण भाई ने तो थोड़ा कम खाया। हाँ। तो अभी ये पूरा फिनिश करके यहाँ से चले जाएंगे। तो आप लोगों ने अगर प्लीज आप लोगों ने अगर वीडियो पूरा एंड तक देखा हो तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और अभी तक चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब जरूर करना। और मेरे भाई का अभी क्या नाम है चैनल का, द फूडी राजपूत, ये चैनल देखो आपको मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाते हैं, एक बार देखो और अगर आपको अच्छा लगेगा तो उनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो क्या करें, निकले? यस सर, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।